एकदम एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्लीन स्वीप की ओर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। सूपड़ा साफ कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का। 162 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जो सीट कभी ऐसा समझा जा सकता है कि कांग्रेस अगर वहां पर कुछ करती हुई दिखाई दे ऐसा लग नहीं रहा है। और अब ये आंकड़ा अगर 170 तक भी पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल क्लीन स्वीप की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। मध्यप्रदेश में 162 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। चार राज्यों की जहां जनगणना हो रही है वहां सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस के लिए संतोष की बात है कि कांग्रेस वहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाकी सभी जगहों पर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो नरोत्तम मिश्रा इस वक्त दतिया विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। नरोत्तम मिश्रा तो बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, स्टॉल वार माने जाते हैं, वो पीछे दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा क्षेत्र से। अरविंद भदौरिया जो सहकारिता मंत्री थे वो अटेर भिंड से पीछे चल रहे हैं। मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री उज्जैन में पीछे चल रहे हैं, उज्जैन दक्षिण में। और गौरी शंकर बिसेन जो बहुत बड़े नेता हैं बालाघाट में पीछे चल रहे हैं अनुभव मुंजार के सामने। चार भाजपा के कद्दावर नेता पीछे चल रहे हैं और हमारे साथ एक नए मेहमान दीपक जैन जुड़ गए हैं, प्रदेश में प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं, बहुत युवा नेता माने जाते हैं।